Hi, good morning, my dear student. Today, we are going to read your chapter 4, Thinker, Beliefs and Building. And in this chapter, we are on the topic of 7, Stupa. If you will see my previous video, I have discussed about some important points where I have discussed on stupa also. But today I will discuss this topic very clearly and according to your book, my dear student. Stupa, we have seen that the Buddhist ideas and pictures emerged out of a process of dialogue with other traditions, including those of Brahmins, Jain, and several others, not all of whose ideas and practice were preserved in text. Some of these instructions can be seen in the way in which sacred place came to be identified. Here, author want to inform you about why stupa developed. हमने देखा कि बौद्ध आदर्श और व्यवहार ब्राह्मण जैन तथा कई अन्य परंपराओं के साथ जो उनके संवाद हुए, डायलॉग हुए, तर्क वितर्क हुए, इन सारी प्रक्रियाओं से जो उभरा, जो ज्ञान प्योरीफाई हुआ, उनमें से कई परंपराओं के विचार, आइडियाज आचार ग्रंथों में लिखे गए, कुछ के इस तरह के मेल जोल को हम पवित्र स्थलों के उभरने की प्रक्रिया को देखकर समझ सकते हैं। सभी धर्मों का, सभी परंपराओं का कुछ न कुछ एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ा, ये आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कनेक्शन से दिखाई देता है। बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते हैं। द इंपॉर्टेंस अटैच टू कंडक्ट एंड वैल्यू रेदर देन क्लेम्स ऑफ सुपीरियरिटी बेस्ड कुछ चीजों के लिए अपनी महत्ता, कुछ चीजों के लिए अपनी बड़ाई, जन्म के आधार पे, स्थान विशेष के आधार पे या प्रतीक चिन्हों के आधार पे दिखाते हैं। कहता है कि बहुत प्राचीन काल से जो लोग इन जगहों को पवित्र मानते हैं, फ्रॉम द अर्लीएस्ट टाइम पीपुल टेंडेड टू रिग्रेट सर्टेन प्लेस एज ए सेक्रेट। पीपुल टेंडेड टू रिगार्ड सर्टेन प्लेस एज सेक्रेट। दीज इंक्लूडेड साइट्स विद स्पेशल ट्रीज आर यूनिक रॉक्स आर साइट्स ऑफ आज इंस्पायरिंग नेचुरल ब्यूटी। दीज साइट्स विद ए स्मॉल श्राइन अटैच टू देम वर समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज ए चैत्य। बहुत प्राचीन काल से लोगों ने कुछ विशेष जगहों के वृक्षों को, वनस्पतियों को, पत्थरों को या प्राकृतिक रूप से सुंदर दृश्यों को, कुछ ऐसे विस्मयकारी चीज़ों को लोगों ने पवित्र स्थल के रूप में स्वीकार किया, माना, देखा, उसके प्रति आकर्षित हुए। इन्हीं में से ऐसे ही कुछ स्थलों पर
छोटी छोटी सी वेदी भी बन जाती थी या बनी रहती थी, जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। दीज साइट विद स्मॉल साइन अटैच टू देम और समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज ए चैत्य। इट मीन्स चैत्य में आल्सो हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड चिता मीनिंग ए फनरल पैर एंड द एक्सटेंशन अ फनररी माउंड। दिज वॉज नॉट ए न्यू ट्रेडिशन, इट वॉज ऑल ओल्ड ट्रेडिशन। इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी मेंशन अ स्टेटमेंट दैट स्तूपा इट मीन्स फ्लेम ऑफ फायर। फर्स्ट टाइम दिस वर्ड यूज इन ऋग्वेदास स्तूपा। इट ऑल्सो पर्टिकुलर प्लेस वेयर अ माउंड मेड बाय समवन, समटाइम इट वॉज फनररी माउंड, समटाइम इट वॉज सिम्बोलिक माउंड, समटाइम दिस माउंड डेडिकेटेड टू देयर फोर गॉड्स। बट दीज टाइप ऑफ माउंड्स वर इन एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग एंशियंट टाइम टिल टूडे। वी हैव सीन इन द प्रैक्टिसेस नाउ दैट टाइम ऑल्सो दिस माउंट इज कॉल्ड चैत्य इन द बुद्धिज्म। इफ वी डिस्कस दिस माउंट इन द स्पेशल रेफरेंस ऑफ द बुद्धिज्म, इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड द चैत्य। चैत्य बताने की जरूरत नहीं कि बहुत साहित्यों में चैत्यों में की चर्चा है। इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी वो सारी जगहों का वर्णन है जहाँ वे जन्मे थे, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, जहाँ उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई, और धीरे धीरे ये सारे जगह पवित्र स्थल के रूप में बदलने लगे। साथ ही साथ बुद्ध के प्रयोग किए गए वस्तुएं, बुद्ध के द्वारा यूज की गई वो सारे कपड़े, भिक्षा पात्र, उनके बॉडी पार्ट रिमेन्स, वो सभी चीज़ें स्तूपों के रूप में स्थापित की जाने लगी, उन्हें धार्मिक महत्व मिलने लगा। बौद्धिस्ट लिटरेचर मेंशन सेवरल चैत्यास। इट आल्सो डिस्क्राइब प्लेस एसोसिएटेड विद द बुद्धास लाइफ, वेर ही वॉज बॉर्न लुम्बिनी, वेर ही अटेंड एनलाइटमेंट बोधगया, वेर ही गेव हिज फर्स्ट सरमन सारनाथ, एंड वेर ही अटेंड निब्बान कुशीनगर। ग्रेजुअली ईच ऑफ दीज प्लेस केम टू बी रिगार्डेड एज ए सेक्रेड। वी नोन दैट अबाउट 200 ईयर्स आफ्टर द टाइम ऑफ बुद्धा, अशोका इरेक्टेड अ पिलर एट लुम्बिनी टू मार्क द फैक्ट दैट ही हैड विजिटेड द प्लेस। विदाउट एनी हेजिटेशन वी कैन से दैट ड्यूरिंग अशोकन पीरियड स्तूपा वाज स्प्रेड इधर एंड इधर, पर्टिकुलर दोज प्लेस विच वॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू लॉर्ड बुद्धा। ही मेंशन देयर लुम्बिनी इंस्क्रिप्शंस दैट दिस स्तूपा वॉज विजिटेड बाई हिम इन देयर रेन ऑफ 10th ईयर, 10वें वर्ष के शासनकाल में अपने रेजिम के उसने इन चीज़ों को देखा। ही मेंशनड इट, उसने उसे बात की। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज गिवेन इन रिसोर्स 8, वाई वर स्तूप आर बिल्ट, स्तूप क्यों बनाया जाए।
दिस क्वेश्चन वॉज पुट अप बाई देयर डिसाइपल्स देयर आई मीन टू से दैट बुद्धाज डिसाइपल्स आनंद आनंद ने बुद्ध की मृत्यु के समय बुद्ध के निर्वाण के समय जब बुद्ध अपने अंतिम दशा में थे तो आनंद खूब रोया। रोते हुए उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, भगवान आप चले जाएंगे हमारा ख्याल कौन रखेगा, हम आपको किस रूप में और कैसे प्राप्त करेंगे। बुद्ध ने आनंद को धीरज बताते हुए कहा, धैर्य रखो आनंद, चिंता मत करो, तुम तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रोको, धर्मोत्साही बनो और अपनी भलाई के लिए प्रयास करो। लेकिन विशेष आग्रह करने पर बुद्ध बोले, पहले बुद्ध ने कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू मेंटेन एनी डेकोरम, फर्स्ट यू मस्ट बी इनलाइट योर सेल्फ, फर्स्ट यू अटेन इनलाइटमेंट, देयर इज नो नीड ऑफ एनी डेकोरम, बट इट वॉज एम्फसाइज अगेन, इट वॉज अगेन एंड अगेन रिक्वेस्टेड बाई बुद्धा, रिक्वेस्टेड बाई आनंद देयर टीचर टू बुद्धा। देन बुद्धा टोल्ड देम कि उन्हें तथागत के लिए चार महापथों पर चौक पर थूप स्तूपों का पाली रूप है, थूप थूप कह रहा है, थूप को थूपा कहता है, एट द फोर क्रॉस रोड दिस शुड इरेक्ट अ थूप पाली फॉर स्तूपा टू द तथागत एंड हुज ओवर सेल देयर प्लेस गार्लैंड्स आर परफ्यूम और मेक ए सॉल्यूशन देयर और बिकम इन द प्रेजेंस काम ऑफ हर्ट दैट सेल लॉन्ग बी टू देम फॉर ए प्रॉफिट एंड जॉय। बुद्ध ने कहा आनंद की रिक्वेस्ट पे, ठीक है तुम यदि इतने ही काबले हो रहे हो तो तुम तथागत के धातु अवशेषों पे, इट मीन्स तथागत की मृत्यु के बाद उन्हें जलाने के बाद जो भस्मावशेष होंगे, जो राख होंगी, जो हड्डियां होंगी, उन्हें चार महापथों पर जो चौराहे होंगे वहां पे थूप बना देना, स्तूपों के रूप में स्थापित कर देना, जो भी वहां इस स्तूप पे धूप बत्ती अगरबत्ती माला चढ़ाएगा या वहां पे सिर नवाएगा या वहां पर हृदय में शांति लाएगा, उन सब के लिए वह चिरकाल तक सुख और आनंद का कारण बनेगा। इट मीन्स बुद्धा क्लियरली मेंशन स्तूपा एज ए रिलीजियस प्लेस फॉर द बौद्धिस्ट मॉन्क एंड उपासक एंड उपासिका बोथ। फर्स्ट टाइम बुद्धा वांट टू एस्टेब्लिश आफ्टर द डेथ ऑफ हिम द रिलीजियस प्लेस दैट चेंज इन पिलग्रिमेज फॉर द बौद्धिस्ट। सो नो डाउट टू से दैट वी कैन से दैट स्तूपा वॉज ए रिलीजियस प्लेस फॉर द बौद्धिस्ट मॉन्क एंड उपासक एंड उपासिका बोथ। दिस स्टोरी गिवन इन महापरिनिब्बान सूत्र, महापरिनिब्बान सूत्र वेयर क्लियरली मेंशन अबाउट व्हाई वर स्तूपा बिल्ट, स्तूपा क्यों बनाया जाए। इसका उत्तर खुद बुद्ध ने दिया अपने शिष्य आनंद को, उसके बार बार अनुरोध करने पर उन्होंने इन चीज़ को बताया कि स्तूप बनाना तुम, जो बनाएगा और यहाँ पे आएगा
चतुष्पथों पे, स्तूपों पे, धूपों पे, और यहाँ पे आके अपना शीश नवाएगा, धूप बत्ती जलाएगा और अपने दिल हृदय में शांति लाएगा, उन सब के लिए ये चिरकाल तक सुख और आनंद का कारण बनेगा। ये बात बुद्ध ने कहा। अगर आप सोर्स एट को पढ़ें तो क्लियर यहाँ दिख जाएगा। मैं अगेन इसको पढ़ दे रहा हूँ, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, बट इवेन आई अगेन री रीड, दिस इज एन दिस स्टोरी गिवन इन महापरिनिर्वाण सूत्र पार्ट ऑफ द सूत पिटक एज द बुद्धा ले डाइंग आनंद आस्क्ड हिम व्हाट वर वी टू डू लॉर्ड विद द रिमेन्स ऑफ द तथागत एनदर नेम फॉर द बुद्धा आनंद आस्क्ड हिम दैट व्हाट वर वी टू डू लॉर्ड विद द रिमेन्स ऑफ द तथा द बुद्धा रिप्लाइड हिंडर नॉट योर सेल्फ आनंद by honoring their remains of the Tathagat. Be jealous, be intent on your own good, but when pressed further, the Buddha said, at the four cross roads, they should erect Thupa, Pali, Stupa to Tathagat, and whosoever shall there place garlands and perfume, or make a solution there, or become in the presence calm of heart, that's a long way to them for a profit and joy. It means one questions and their answer is clearly given by himself Buddha. Why were stupa built? Why were stupa built? There were other places to that were regarded as sacred. This was because relics of the Buddha, such as his bodily remains or objects used by him, were buried there. These were mounds known as stupa. The tradition of erecting stupa may have been pre-Buddhist, but they came to be associated with Buddhism since they contained relic regarded as sacred. The entire stupa came to be the venerated as an emblem of both the Buddha and Buddhism. According to Buddhist text, known as the Asoka Vadan, Asok distributed the portion of the Buddha's relic to every important own and ordered the constructions of stupa over them. By the 2nd century BC, a number of stupa, including those at Parahut, Sanchi and Sarnath, had been built. It means clearly discuss here that why were stupa built. ऐसी कई जगह थी जिन्हें पवित्र माना गया। बुद्ध ने कहा था, जो चतुष्पथों की बात की थी, कहाँ स्थापित करेंगे, तो स्तूपों के निर्माण के लिए उन पवित्र स्थलों को चौराहों पर रखा गया। तो कह रहा है वो चौराहे के साथ साथ उन जगहों पर भी रखे गए जो बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल के रूप में लोगों के द्वारा लोकेट किए गए थे। कह रहा है ऐसे पवित्र स्थल कहाँ कहाँ थे, तो कहता है कि ऐसे कई अन्य जगह थे जिसे पवित्र माना गया। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष, जैसे उनकी अस्थियाँ, उनके द्वारा प्रयुक्त सामान, उनके द्वारा यूज किए गए रास्ते जहाँ वो पहुँचे हों, स्तूपों या टीलों का निर्माण कराया गया। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले भी थी। एज आई इन्फॉर्म्ड यू दैट फर्स्ट टाइम स्तूपा वर्ड मेंशन इन ऋग्वेदास, इट मीनिंग्स फ्लेम ऑफ फायर। एज आई ऑल्सो डिस्कस कि हम प्राचीन काल में हम देखे हैं कि कहीं भी ग्राम देवता के रूप में थूहा बनाया जाता था, या मरे हुए लोगों के चित्र बना दिए जाते थे।
इस तरह की प्राचीनतम परंपरा हमें दिखाई देती है। ये कोई बौद्ध धर्म में नई नहीं थी, चूंकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र माना जाता था, इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोकावदान बुक का नाम है। अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया था। 84,000 स्तूपों का निर्माण अशोक ने करवाया था, इसका उल्लेख वहां पर निर्वाण सूत्र में दिया गया है। 84,000 स्तूपा वर बिल्ट बाय अशोका अकॉर्डिंग टू महापरिनिब्बान सूत्र। हियर आल्सो अकॉर्डिंग टू दिस लाइन वी कैन आइडेंटिफाई दैट स्टेटमेंट कि अशोक अवदान भी ये बात कह रहा है कि अशोक ने बुद्ध के धातुओं से अशोकों को लगभग हर बड़े शहरों में भेज के स्तूप निर्माण करने की बात की। ईसा पूर्व दूसरी सदी तक, सेकेंड सेंचुरी तक आते आते, सेकेंड सेंचुरी बीसी तक आते आते हमें कई स्तूप दिखने लगे। बराहू, सांची, सारनाथ, कपिलवस्तु, लुम्बनी, इस तरह के तमाम स्तूप हमें दिखाई देने लगते हैं। अगर आप इन चीज़ों को देखना चाहें तो आपको मैप पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें थोड़ा पहले चलना पड़ेगा मैप के लिए। आप यदि मैप पे ध्यान दें तो कुछ जगह है, मैं थोड़ा इसे बड़ा करूँगा। अगर आप देखें लुम्बनी, कुशीनगर, बराबर, बोधगया, सारनाथ, श्रावस्ती, भरहूत, सांची, अमरावती, जुन्नार, कार्ले, नासिक, दीज आर ऑल फेमस प्लेस फॉर स्तूपा इन इंडिया। एंड इवन इफ देर आर मेनी मोर स्तूपास वेयर इट इज नॉट मेंशन हियर ऑन दिस मैप, लाइक राजगीर, लाइक कुशीनगर, लाइक नागार्जुनी कोंडा, ओ नो नागार्जुनी कोंडा इज हियर, लाइक पीरभारी, लाइक अंगारवा, देर आर सो मेनी स्तूपास विच आर नॉट मेंशन्ड हियर, बट डोंट वरी, दिस मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैप देखना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है, उनको चीज़ों को समझना है। आइए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, स्तूप कैसे बनाए गए। हाउ वर स्तूपा बिल्ट, द इंस्क्रिप्शंस फाउंड ऑन द रेलिंग एंड पिलर ऑफ द स्तूपा रिकॉर्डेड द डोनेशन मेड फॉर बिल्डिंग एंड द डेकोरेटिंग देम। सम डोनेशन वर मेड बाई किंग्स सच एज द सातवाहंस, अदर वेयर मेड बाई गेल्स सच एज दैट ऑफ द आइवरी वर्कर्स हु फिनांस्ड पार्ट ऑफ वन ऑफ द गेटवे एट सांची। हंड्रेड ऑफ डोनेशंस वर मेड बाई वोमेन एंड मेन हु मेंशन देयर नेम्स समटाइम्स एडिंग द नेम ऑफ द प्लेस फ्रॉम वेयर दे केम एज वेल एज देयर ऑक्यूपेशन एंड द नेम ऑफ देयर रिलेटिव्स। भिक्खूज एंड भिक्खुनीज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स बिल्डिंग दीज मॉन्यूमेंट्स। हाउ वर स्तूपा बिल्ट, वन क्वेश्चन अराइज, हु एक्सपेंसेस द वेल्थ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्तूपा, वन क्वेश्चन ऑल्सो अराइज हियर। सो इट इज क्लियरिफाई बाय द बौद्धिस्ट टेक्स्ट बाय द नेम्स विच वॉज मेंशन ऑन द स्तूपा एंड इंस्क्रिप्शंस दैट इट वॉज बिल्ट बाय sometime kings, sometimes the wealthier traders, hundred and hundred peoples and their donations it was made. कई तरीके से इसको बनाया गया, इन लोगों में कई जगहों पे इसे बनाने के लिए स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इसे बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए, सातवाहन, अशोक, पुष्यमित्र, शुंग, तमाम सारे नाम आपको दिखे,
गुप्ता राजवंश के शासकों ने खूब दान दिए। साथ ही साथ राजाओं के अलावा कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणियों द्वारा दिया गया, आर्टिसियंस एंड ट्रेडर स्वरूप श्रेणीज। उदाहरण के लिए सांची का एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के द्वारा दान से बनाया गया था। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने दान दिए, अभिलेख में अपना नाम बताया, अपना पेशा लिखा, अपने रिश्तेदारों के भी नाम बताए और इन इमारतों को बनाने में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के दान का भी उल्लेख किया गया है। आप कल्पना करिए कि जिस इमारत का निर्माण होता था, जिस स्तूप का निर्माण होता, कितने सेक्रेटली इसका निर्माण कर रहे थे। अब स्तूप की संरचना कैसे होगी, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा, स्तूप कैसे बनेगा। अगर स्तूप की संरचना पे बात करें तो आई हैव डिस्कस अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा इन माई प्रीवियस वीडियो, वेयर स्तूपा अ संस्कृत वर्ड मीनिंग अ हीप ओरिजिनेटेड एज ए सिंपल सेमी सर्कल माउंड ऑफ अर्थ लिटर कॉल्ड अंडा। ग्रेजुअली इट इवॉल्व इन टू मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बैलेंसिंग एंड राउंड एंड स्क्वायर शेप। एबव द अंडा वॉज द हर्मिका, अ बालकनी लाइक स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंटेड द एबव ऑफ द गॉड्स। अराइजिंग फ्रॉम द हर्मिका वॉज द मास्ट कॉल्ड द यष्टि, ऑफन द सरमाउंटेड बाई द छतरी और अम्ब्रेला। अराउंड द माउंड वॉज रेलिंग सेपरेटिंग द सेक्रेट स्पेस फ्रॉम द सेकुलर वर्ल्ड। द अर्ली स्तूपा एंड देयर कंस्ट्रक्शंस विच वी रीड, बट बिफोर वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा। स्तूप जिसका संस्कृत का अर्थ है टीला, हीप द संस्कृत वर्ड मीनिंग हीप, ओरिजिनेटेड एज सिंपल सेमी सर्कुलर माउंट दैट इज कॉल्ड अंडा। एक सेमी सर्कुलर अर्ध गोलाकार आकृति, आपने बचपन में गोला बनाया होगा, आधा गोला काट के दीजिए, दैट इज सेमी सर्कुलर, दैट इज कॉल्ड हीप। लेटर कॉल्ड अंडा, ग्रेजुअली इट इवॉल्व इन टू मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। बाद में इसकी स्ट्रक्चर में बहुत सारे बदलाव देखे गए, धीरे धीरे इसकी संरचना जटिल होती चली गई, जिसमें कुछ चौकोर और गोल आकार का संतुलन देवताओं के घर का प्रतीक बना। अंड के ऊपर एक हर्मिका बनाई गई जो चौकोर आकार की थी, ये हर्मिका देवताओं का स्थल माना गया। और फिर इस हर्मिका के बीचों बीच एक यष्टि, एक मास्ट लगाया गया, यष्टि मतलब एक पिलर, एक स्तंभ, और उसमें छतरी लगा दी गई। देवस्थान इसे हर्मिका कहा गया, इसमें प्रायः धातु अवशेष रखे जाते थे, इसमें वो चीजें रखी जाती थी जिनका बुद्ध से सीधा संबंध होता था। इट मे बी द रिमेन्स ऑफ देयर बॉडीज, इट मे बी द गुड्स विच वॉज यूज बाय देम, इट मे बी देयर पर्टिकुलर क्लास एंड सच टाइप ऑफ अदर्स, खड़ाऊ, इस तरह की चीज़ें वहाँ रखी जाती थी, उनके दांत, उनके बाल, जो भी चीज़ें थी उनको वहाँ पे रखा जाता था। हर्मिका में एक यष्टि थी जिसमें एक छतरी लगी होती थी। सांची चारों ओर वेदिका होती थी और वेदिका
कई पार्टों में बांटती थी, एक पवित्र स्थल के रूप में दुनिया से अलग करती थी, जो बेल्ट था इसमें, सेपरेटिंग द सेक्रेड स्पेस फ्रॉम द सेकुलर वर्ल्ड। अराउंड द माउंट वॉज रेलिंग्स, रेलिंग्स सेपरेटिंग देम सेक्रेड। मैंने आपसे कहा था प्रीवियस वीडियो में कि सांची क्या था, त्रिवेदी था, तीन बेल्ट थे उसमें, रेलिंग्स बने थे और ये अलग कर रही थी। इसके बाद अगर आप ध्यान दें, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द प्लान ऑफ द ग्रेट स्तूपा सांची एंड द फोटोग्राफ्स। ओके, कम टू द पॉइंट, द अर्ली स्तूपा एट द सांची एंड बारहूत वर प्लेन एक्सेप्ट फॉर द स्टोन रेलिंग विच वॉज रिजेंबल्ड अ बेम्बू एंड वुडन फैंस दैट गेटवे विच वर रिचली कार्व्ड एंड इंस्टॉल्ड एट फोर कार्डिनल पॉइंट्स। वर्शिपर एंटर थ्रू द ईस्टर्न गेटवे एंड वॉकड अराउंड द माउंड इन अ क्लॉक वाइज डायरेक्शन, कीपिंग द माउंड ऑन द राइट द इमिटिंग द सन्स कोर्स थ्रू द स्काई। लेटर द माउंड ऑफ द स्तूपा केम टू बी एलोबरेटेड कार्व्ड विद द नीचेस एंड द स्कल्पचर इज द अमरावती एंड शाहजी की ढेरी इन पेशावर पाकिस्तान। हियर दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच ऑथर वॉन्ट टू डिस्कस यू, दैट सांची जो भरहुत के प्रारंभिक स्तूप, सांची और भरहुत दोनों स्तूप, जिसमें भरहुत ज़्यादा प्राचीन है, कह रहे दोनों प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं। इट वॉज नॉट डेकोरेटेड बाई द सिम्बल साइन एंड सच टाइप होता, इट वॉज दे वर प्लेन एक्सेप्ट फॉर द स्टोन रेलिंग्स। सिर्फ अगर स्टोन रेलिंग्स की छोड़ दें, सिवाय उन जो उनमें जो पत्थर की वेदिकाएँ और तोर द्वार हैं उनको छोड़ दें, तो पूरी तरीके से प्लेन है। ये पत्थर की वेदिकाएँ जो किसी बांस या काठ के घेरे के समान थी और चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई थी। उपासक पूर्वी तोरण द्वार में प्रवेश करके टीले के दाएं तरफ से दक्षिणावर्त एडवांस एंटी क्लॉकवाइज स्तूप का चक्कर लगाते थे, मानो आकाश में सूर्य का पथ का अनुकरण कर रहे हों। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। ग्रेजुअली वी हैव सीन दैट द अंडा दैट द सेमी सर्कुलर एरिया वाज आल्सो डेकोरेटेड बाय साइंस एंड सिंबल्स। द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ द अमरावती वेयर वी हैव सीन द अंडा वाज फुली डेकोरेटेड, सेमी सर्कुलर एरिया वाज फुली डेकोरेटेड एंड लेटर द वेरियस स्तूपा इट वाज डेकोरेटेड not only the railings, not only the gateway, but also anda. That is the very important changes which come in the stupa architecture. बाद में स्तूपों के टीले पर अलंकरण नक्काशी की जाने लगी। अमरावती और पेशावर में शाहजी की ढेरी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, इसको हम देख सकते हैं। इफ यू विल सी दिस पिक्चर स्तूपा। ओके, टुडे वी हैव डिस्कस द वेरियस पॉइंट अबाउट स्तूपा, हाउ ही बिल्ट, हाउ कैन ही बिल्ट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्तूपा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्तूपा के और सारे आर्किटेक्चर पे, और सारे चीज़ों पे, और फिर स्तूपा फेट ऑफ अमरावती एंड सांची। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इन चीज़ों पर बात करेंगे। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।